हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड, और आपको मैं ले आया हूँ स्टार यामा हजरतगंज में। आपको हलव्यासे के सामने अगर अपोजिट साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये शोरूम मिल जाएगा। और यामा ने आज लॉन्च कर दिया आर्बन 5M का नया मॉडल, तो काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस बाइक में। तो इस बाइक में अगर सबसे पहला चेंज मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहला चेंज जो है इसके इंजन में मिला हुआ है। तो अगर आप इसका इंजन देखोगे तो ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट अब ये जो इंजन आता है ये आपका BS7 कंप्लायंस के साथ आता है, यानी कि BS7 जो है आपका उससे रेडी है। तो इनकेस अगर इंडिया में कोई भी चेंज होते हैं तो इनको यामा को इस कंपनी में बाइक में कोई भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। BS7 ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है इंजन। इसके अलावा इस इंजन की पावर थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 0.1-0.2 PS की पावर बढ़ाई गई है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज नहीं करने वाली है, बट फिर भी पावर बढ़ी और मेरे को बताना था तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ आओगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स आपके जो हैं ये आपके अब LED हो गए हैं। पहले जो इसके इंडिकेटर्स थे वो आपके स्टॉक जो इंडिकेटर्स आते थे वो आपके हैलोजन आते थे, बट अब ये LED हो गए हैं। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसके बाद अगर मैं इंडिकेटर्स ऑन करता हूँ तो ये देखिए, ये इंडिकेटर्स ऑन हो गए हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा औसम दिख रहा है, LED इंडिकेटर आ गया है। हज़ार्ड लाइट का स्विच भी इसमें दिया ही हुआ है, पीछे आगे दोनों का इंडिकेटर। तो एक बार इसके हज़ार्ड लाइट का स्विच मैं जला देता हूँ। ये देखिए हज़ार्ड लाइट का स्विच मैंने जला दिया है। तो अब यहाँ अगर आगे से आप देखोगे तो भाई देखो, दोनों इंडिकेटर्स कितने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं, कितने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं दोनों इंडिकेटर्स। तो बहुत ही अच्छी बाइक ये दिख रही है। बाकी तो इस बाइक के जो लुक्स हैं आपको पता ही है, औसम है। यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर लैम्प दे रखा है, बगल में आपके DRL दे रखे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिखने वाली है ये बाइक। पीछे के जो इंडिकेटर्स हैं ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके LED कर दिए गए हैं। तो मतलब सारा का सारा काम जो इसमें हैलोजन का काम बचा था वो सब भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब इस गाड़ी में कहीं भी आपको हैलोजन का वर्क नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी जो बाइक है वो ब्रांड न्यू हो गई है, पूरा पूरा LED का काम इसमें हो रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आपको कोई भी इसमें मतलब मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये आपका दूसरा चेंज था इंडिकेटर्स का। अब ले चलते हैं इसका जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो है इसके मीटर की तरफ। तो आइए आपको ले चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो राइट हैंडल बार में अगर आपको ले चलूँ मैं, तो राइट हैंडल बार में आप देखो, पहले यहाँ पे एक स्विच होता था जिससे आप ट्रैक्शन को ऑन ऑफ कर सकते थे, मोड का स्विच। वो स्विच इन्होंने गायब कर दिया है। यहाँ पे आपका ये हज़ार्ड लाइट वाला स्विच दे रखा हुआ है, और ये आपका ऑन ऑफ का मतलब इंजन क्विल का स्विच दे रखा है। अब अगर मैं दूसरे हैंडल बार की तरफ ले चलूँगा आपको, तो भाई ये हैंडल बार देखो, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया। कितना ज़्यादा प्रीमियम दिख रही है ये स्विच, आप देख लो, बिल्कुल बिल्कुल R1M की याद आपको दिलाएगा। यहाँ पे आपको तीन बटन उन्होंने दे रखे हैं, एक अप का बटन दे रखा है, एक डाउन का बटन दे रखा है, एक SEL का बटन दे रखा है। तो इन बटन से ही ये मीटर पूरा जो भी मैनेज होगा इन बटन से ही होगा। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या चेंज आया इसके मीटर में, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है ये इसके मीटर में ही होने वाला है। देखिए जैसे ही मैं इसका मीटर ऑन करूँगा भाई, ये देखिए कलर में यामा लिख के आया, ऑरेंज कलर में हुआ, रेड कलर करके बंद हो गया। तो पूरा का पूरा मीटर कंसोल इन्होंने चेंज कर दिया है, R1M से लिया गया है। एक बार ऑन कर देता हूँ ताकि ज़्यादा मतलब बैटरी इसकी ना खाएं। तो भाई पूरा का पूरा कलर मीटर इसमें आ गया है, और ये पहले जो आपकी LCD स्क्रीन आती थी ये पूरी पूरी कलर TFT स्क्रीन में चेंज हो गई है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ गई है, आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे कितनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आई है। तो जल्दी से आपको इस इन्फॉर्मेशन की तरफ ले चलता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो दो मोड है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप सेल का बटन दबाओगे यहाँ पर तो देखो, ये आपका रोड मोड है और ये आपका ट्रैक मोड है। पहले रोड मोड की तरफ ले चलता हूँ। तो रोड मोड में सिंपल सा मोड है, यहाँ पर आपके कुछ बटन दे रखे हैं, ABS का, ये आपका इसको बंद कर देता हूँ, इंडिकेटर का स्विच है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए इंडिकेटर का स्विच बंद हो गया, ये इंडिकेटर का स्विच ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ये दूसरी तरफ वाला इंडिकेटर का स्विच ऑन हो गया। यहाँ आपका हाई बीम का है, यह आपका न्यूट्रल का साइन है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल का साइन है। थोड़ा और इसको मैं फोकस में लाता हूँ, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आपका न्यूट्रल का साइन है, ये आपका RPM मीटर है, जैसे पहले आता था RPM मीटर है, बट पूरा का पूरा कलर में आ गया। यहाँ पे आपका TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल दिखा रहा है, ये आपका टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे आपका फ्यूल गैराज दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डाउन का एरो है, यहाँ पे अप का एरो है। तो सबसे पहले डाउन के एरो पे आपको दिखाता हूँ। डाउन के एरो में ओडोमीटर दिखा रहा था, ये आपका TRIP 1 आ गया, ये आपका TRIP 2 आ गया। तो डाउन का बटन जैसे ही आप यहाँ पर दबाओगे, ये वाला डाउन का बटन जैसे भी आप दबाओगे वैसे यहाँ मीटर में यहाँ पे ओडोमीटर TRIP 1 TRIP 2 चला जाएगा। सेम अप वाला बटन दबाओगे तो करंट फ्यूल लेवल आ गया, एवरेज फ्यूल आ गया आपका, एवरेज स्पीड आ गई, बैटरी वोल्ट आ गया, कूलिंग टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर भी आ गया, उसके बाद फ्यूल ट्रिप आ गई, करंट फ्यूल लेवल आ गया।
बहुत सारे इन्फेक्शन दे रखा है। अब इसको सेल का बटन मैं दबाता हूँ और इसको करता हूँ लैप मोड में। तो भाई लैप मोड में आपको देखो आपका बटन कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी आपको न्यूट्रल दिख रहा है, TCS दिख रहा है यानी ट्रैक्शन कंट्रोल दिख रहा है, RPM मीटर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, लैप टाइमिंग दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डाउन का मीटर दिख रहा है। तो डाउन दबाओगे तो या फास्टेस्ट लैप आपका आ रहा है, इसके अलावा आज एवरेज लैप आ रहा है और लेटेस्ट लैप आ रहा है। तो इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फास्टेस्ट का मतलब अगर आपने 4-5 लैप लिए तो उसमें सबसे फास्ट आपने लैप लिया होगा, सबसे कम टाइम में जो लिया होगा वो टाइम मेंशन होगी। एवरेज होगा 4 लैप आपने किया तो चारों लैप का जो एवरेज टाइम होगा, और जो लास्ट लैप आपने लिया होगा वो सारी टाइम होगा। इसके अलावा सेल के बटन के अगर आप थोड़ी देर इसको दबाए रखोगे तो देखिए जैसे आप थोड़ी देर दबाओगे इसको, नहीं नहीं, जैसे सेल के बटन के आप दबाओगे तो यहाँ पे आपका मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले आपका डिस्प्ले सेटिंग है, उसके नीचे आपका लैप टाइम है, उसके नीचे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आप ऑन ऑफ कर सकते हो, सेल के बटन से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ऑफ हो गया या आपका वापस ऑन हो गया। सिस्टम सेटिंग है, इसके अलावा सिस्टम सेटिंग के बाद आपका शिफ्ट इंडिकेटर है। तो शिफ्ट इंडिकेटर में आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें आप RPM लॉक कर सकते हो कि अगर 8000 RPM पे आपको दिखाना है कि 10000 RPM पे दिखाना है, मतलब आपका गियर शिफ्ट कब करना है। 8000 RPM पे आपको दिखाना है कि गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि 10000 RPM पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और ऊपर की तरफ मैं ले चलता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने आपको दिखा दिया, लैप टाइमिंग दे रखी है। तो लैप टाइम में आप जाओगे तो लैप टाइम रिकॉर्ड है, इसमें आप दबाओगे तो देखो आपका पूरा रिकॉर्ड आ रहा है कि फास्टेस्ट लैप कौन सा है, लैप 4, लैप 7, लैप 8, मतलब बहुत सारे लैप टाइम आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वापस मैं बैक की तरफ आता हूँ, यहाँ से आप लैप टाइम को रीसेट कर सकते हो अगर किसी नए ट्रैक के लिए जा रहे हो। फिर मैं वापस अगर बैक की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप जाओगे तो ब्राइटनेस हो गया, डिस्प्ले कलर हो गया, वॉलपेपर हो गया, डिफ़ॉल्ट मीटर मोड हो गया, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप जाओगे, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राइटनेस में जाओगे तो नाइट ब्राइटनेस है, नाइट ब्राइटनेस को सेलेक्ट करोगे तो ये मिनिमम या मैक्सिमम कर सकते हो। देखो आप चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेंज करता हूँ मैं। इसके अलावा डे ब्राइटनेस को अगर सेलेक्ट करोगे तो ये भी आप मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो, अभी ये नाइट पे है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत मज़ा आने वाली है इस मीटर में। तो इस बार इसको मैं बंद कर देता हूँ, इधर से आ जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ ना, इधर पीछे आ जाओ, दिखा दियो। तो ये देखिए सबसे पहले मीटर को, इसको इसके मीटर को हम ऑन कर देते हैं। तो ये मीटर ऑन हो गया, देखिए अब यमहा लिख के आ रहा है और कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो भाई सबसे बड़ा चेंज तो यही था जो यमहा, चलो फिर ऑफ कर देते हैं, तो ऑन कर देता हूँ मैं जल्दी से। तो देखिए स्क्रीन खोलते ही सबसे पहले आपको चेंज मिल गया, जो यमहा लिख के आया ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिख के आया, ऑरेंज कलर में लिख के आया है। तो भाई जी हाँ, इसका मीटर जो है वो पूरा अपग्रेड हो चुका है। आपको ये मीटर कंसोल जो है R1 की याद दिला देगा कहीं ना कहीं। पहले इसका जो मीटर था ये आपका सिंपल आता था, LCD स्क्रीन के साथ आता था, बट अब ये आपका पूरा ब्लैक TFT के साथ आता है, जो कि पूरी मतलब कलरफुल TFT है। आप देखो कितने सारे कलर दिख रहे हैं यहाँ पे, जो गियर इंडिकेशन का न्यूट्रल है ये आपका आपका ब्लू ग्रीन कलर में दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे RPM आपका रेड कलर में दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ ABS है और यहाँ पे भी आप देखो हल्की हल्की ब्लू लाइंस दिख रही हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएंगे तो ये दिखेगा आपको, देखिए सारे कितने सारे कलर्स इसमें दिख रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस मीटर में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको बगल में आपके इसके हैंडल की तरफ मैं ले चलूँगा तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कितने सारे बटन्स आ गए हैं। यहाँ पे ये आपका ऊपर जाने का बटन, ये नीचे जाने का बटन, ये आपका सेट का बटन है। इसके अलावा ये सारा पूरा का पूरा जो इसका आपका हैंडल है लेफ्ट हैंडल बार, उसके ऊपर पूरा ये जो सेट दे दिया, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखने वाली है ये बाइक। तो जी भाई यमहा ने एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम किया इसके ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा मीटर की तरफ लेके चलता हूँ। तो मीटर में देखो सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ दबाओगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपके चेंजेस हो रहे हैं। ये आपका एवरेज स्पीड दिख रखा है बाइक की। इसके बाद एक तो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ये आपका देखिए बैटरी का वॉल्यूम, बैटरी का वोल्ट आ गया कि 12.3 वोल्ट की बैटरी आपकी है। इसके अलावा एक कूल टाइप टेम्परेचर आ गया यहाँ पे 43°C इस समय है। फ्यूल ट्रिप आ गया 1.8 किलोमीटर की। इसके अलावा आपका ये आपका करंट फ्यूल आ गया कि करंट फ्यूल कितना है। तो भाई अभी शोरूम में खड़ी है तो भाई बिल्कुल फ्यूल नहीं है इसके अंदर, वरना ये भी आपका बता देगा कि कितना फ्यूल इसके अंदर है आपका। एवरेज फ्यूल यानी इस समय आपकी इकोनॉमी क्या देख रही है ये आपका एक बाइक बता देती है। एवरेज स्पीड बता देती है।
बैटरी वॉल्यूम, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसके बाद अगर मैं सेट की तरफ जाता हूँ, जब मैं सेट दबाऊंगा तो ये देखिए, ये आपकी लैप टाइमिंग आ गई। तो पहले आपको क्या करना पड़ता था कि लैप के लिए आपको मोबाइल में कनेक्टिविटी ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, बट आपका ये पूरा मीटर में ही इनबिल्ट आ गया है। यहाँ पे आप लैप, ये देखिए लैप 04 है, ठीक है, तो ये लैप टाइमिंग है, इसको भी अब आप बढ़ा घटा सकते हो। स्टार्ट ओके, ठीक है, तो ये लैप टाइमिंग आपका दे रखा है, बहुत कुछ बोल, ये अभी नॉर्मल मोड में है, ठीक है, और इसको बदलेंगे तो ये अभी नॉर्मल मोड में आ गए, और बदलिए अभी ये ट्रैक मोड में गाड़ी, ठीक है, तो ये चीज़ बता दीजिए, ये नॉर्मल, ये ट्रैक, ये नॉर्मल, ये ट्रैक, दो ही मोड ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये सब आपका जो है ये पूरा का पूरा लैप मोड है, तो इसको आप ट्रैक मोड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सेट के बटन को आप दबाओगे तो ये आपका नॉर्मल मोड आ जाएगा जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे आप दबा दो तो ये ट्रैक मोड आ जाता है। अब अगर आप ऊपर नीचे का बटन दबाओगे तो इसमें ऐसा कोई चेंज हो रहा है, तो ये देखिए, अब आप ऊपर नीचे का बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपका एवरेज आ गया, इसके अलावा आपका लेटेस्ट आ गया, इसके अलावा फास्टेस्ट आ गया और एवरेज, मतलब तीन इसने भी चीज़ें देख रखी हैं कि आपने जो भी, अगर आपने चार लैप किए हैं तो लैप का एवरेज कितना है, इसके अलावा आपने जो लेटेस्ट लैप किया, सबसे लास्ट में जो लैप किया है उसमें कितना टाइम लगा, और उसके अलावा जो आपने सारे लैप किए तो उसमें जो सबसे फास्टेस्ट लैप था, तो ये सारी रिकॉर्डिंग है। तो भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक में आपको मिलने वाली है। तो ये थी आपकी यमहा की R15। अब आपको मैं बता देता हूँ, मेरी तरफ दिखाओ, तो ये थी आपकी यमहा की R15 बाइक, और आपने देखा कितने सारे चेंजेस ला दिए उन्होंने, इंडिकेटर्स चेंज कर दिए हैं, इसका जो मीटर था वो पूरा चेंज कर दिया है, इंजन जो है इसका ये आपका BS7 कंप्लायंस आ गया है, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ऑन रोड प्राइस इसका जो है, अगर आप R15M लेने जाते हो तो आपको ये ऑन रोड आपका 2,30,000 की ऑन रोड आपकी लखनऊ में पड़ेगी। तो भाई साहब काफ़ी अच्छी प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस को नहीं इन्होंने इंक्रीज़ किया है। और सबसे अच्छी बात, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको मीटर जो मिल रहा है ये सिर्फ R15M में मिल रहा है। अगर आप R15V4 में जाते हो उसमें ये चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपका जो इंडिकेटर है उसमें वो चेंज हो गया है, इंजन जो आपका है जो 1% पावर आपकी बढ़ी हुई है, और साथ में जो BS7 कॉम्प्लायंस आया ये चेंज आ गया, बट जो मीटर आपका है ये सिर्फ आपको R15M में मिल रहा है, बाकी किसी R15 में नहीं मिल रहा है। अब आते हैं कि क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगी इस बाइक में कि आपका जो पीछे का इसका ये पकड़ने वाला होता है, ये जो आपका पीछे का ग्रैब हैंडल बार होता है, ये यामाहा ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का बनाया है। मतलब इसकी जो प्लास्टिक है बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर आपने देखे होंगे ओनरशिप रिव्यू, तो यहाँ पे बैठने के बाद, सीट पे बैठने के बाद ये चीज़ अक्सर टूट जाती है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स के पास भी है। तो इस चीज़ को इनको इम्प्रूव करना चाहिए था, कस्टमर के जो भी मतलब जो भी ओपिनियन होता है उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते, यहाँ का जो जॉइंट्स है कुछ प्रोटेक्टर दे देते, या फिर थोड़ा सा शेप चेंज कर देते, तो ये चीज़ जो होती है इस बाइक की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती। बट कोई नहीं, मैं चाहूँगा कि यमहा का जो भी नेक्स्ट अपडेट है उसमें इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखे। भाई बार बार टूट जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और टूटने के बाद अगर आप चिपका के यूज़ करते हो या नट से यूज़ करते हो तो बहुत ही ख़राब दिखता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप मुझे बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, मेरा सोशल मीडिया हैंडल यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।